हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट. फ्रेंड्स, लाइक ऑल ऑफ यू नो, जैसे सभी को पता है, पूरा वर्ल्ड अभी COVID-19 की समस्या को फाइट कर रहा है, की समस्या से जूझ रहा है. एंड जैसा आप सबको पता है कि कोविड जो वायरस है वो नोज़ इज़ अ फर्स्ट ऑर्गन थ्रू विच एंटर इन आवर बॉडी. एंड आफ्टर एंटर इन द नोज में एंट्री होने के बाद में इट एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ द वायरस. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द नोज, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द नोज. नोज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्या इसके फंक्शन हैं, कैसे अपने को पता लगे भाई नोज के अंदर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एंड कैसे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नोज. सो द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नोज, नोज हैव द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन. बेसिकली नोज के दो प्रकार के फंक्शन हैं. फर्स्ट इज द कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक दैट मीन्स इट प्रोवाइड ब्यूटी टू द फेस, अपने चेहरे को सुंदरता प्रोवाइड करवाता है. एंड इट गिव्स ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी टू द पर्सन, एक पहचान व्यक्ति विशेष को नोज प्रदान करता है. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ द नोज दैट इज द फंक्शनल, दैट मीन्स नोज हैव सम इम्पोर्टेंट असेंशियल फंक्शन फॉर आवर बॉडी. सो अगर वो जो असेंशियल फंक्शन वो अफेक्ट होते हैं, दैट इज इंजूरियस टू द हेल्थ. फर्स्ट जो पहली तरफ का जो कॉस्मेटिक जो रोल है नोज का, उसमें अगर अफेक्ट भी होता है तो बॉडी को इंजूरियस नहीं होता. बट द सेकेंड टाइप जो फंक्शनल, अगर नोज के अंदर प्रॉब्लम होती है, दैट इज हार्मफुल और द हेल्थ और द बॉडी. सो वी डिस्कस विच इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नोज. फर्स्ट important function nose is to give respiration to our body. Nose अपने body को respiration के लिए, breathing के लिए passage provide करवाता है. Second important function of the nose, that air conditioning of the inspired air. Suppose अगर atmosphere में जो air 40 degree temperature है या minus में है, so ये अपनी जो body है एक fix एक लिमिटेड टेम्परेचर पे ही जो है उसको सर्वाइव कर पाती है. सो नोज एक्ट एज ए एयर कंडीशनर, उस एयर को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करवा के और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर करके और अपने लंग्स को प्रोवाइड कराता है. सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द नोज. द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, बिकॉज यू नो वी नीड फ्रेश एयर. बट ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे फ्रेश एयर हो. सो द नोज इट फिल्टर द एयर. नोज के अंदर वाइब्रेसी होते हैं, दैट इज जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस लेयर होती है, ये मिलके जो एयर होती है उसको फ्रेश करते हैं एंड फ्रेश एयर बॉडी को प्रोवाइड करवाता है. सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज. एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ द नोज that it gives the immune defense to the body, immunity to the body, because जो अपना nose है उसकी जो interior जो surface है उसके mucosal के अंदर एक mucosal layer होती है, that have the antibody. उसमें antibody होते हैं जो अपने bacteria जो atmosphere में जो जाते हैं breathing के माध्यम से, उससे fight करते हैं और वो bacteria को trap करते हैं. so that gives immunity to the body. so that is the fourth function of the nose. and the fifth function of the nose, इट गिव्स टू द ओलिफेक्शन. ओलिफेक्शन मतलब वी रिकोगनाइज गुड स्मेल और द बैड स्मेल. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द नोज. सो द नोज बाई दिस एक्शन ऑल्सो प्रिवेंट और हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द नोज. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, कैसे अपने को पता लगे कि मेरा नोज नॉर्मल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, सो इफ यू सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स,
इफ यू सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम देन दैट मे बी द एबनॉर्मल विथ समथिंग विथ योर नोज. लाइक इफ यू सफरिंग फ्रॉम द रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज. नेजल ब्लॉकेज दैट इज द रिकरेंट, मतलब बार बार नोज ब्लॉक रहना, दैट इज नॉट नॉर्मल. इट मे बी ड्यू टू द नोज एलर्जी, इट मे बी ड्यू टू द DNS ऑफ द नोज, इट मे बी ड्यू टू द एनी नेजल मास. सो रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज इज ए एबनॉर्मल सिम्टम्स. सेकेंड इम्पोर्टेंट, रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज, बार बार नाक से पानी आना. अगर किसी को जुकाम होता है, एक बार नाक से पानी आ गया, अगर वो थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है तो देट इज़ द नॉर्मल. बट रिकरेंट, बार बार, हर महीने, हर दो महीने में, हर उसको कंटिन्यू एक ही प्रॉब्लम है, रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज. क्योंकि नेजल डिस्चार्ज नाक से पानी आ रहा है, इट मे बी ड्यू टू द एलर्जी भी हो सकता है, और इट मे बी कई बार इस ए सीरियस इंडिकेशन ऑल्सो. क्योंकि कई बार अपने क्या है, नोज और जो ब्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें से, क्योंकि अपना ब्रेन जो है एक CSF होता है, उसमें क्या है, स्विम करता है. सो कई बार क्या है कि एबनॉर्मल अपने नोज और ब्रेन के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण अपना ब्रेन का जो पानी है, CSF है, वो भी नोज के थ्रू निकलता है. दैट इज फ्रेश जस्ट लाइक वाटर. सो दैट इज द CSF राइनोरिया, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं. तो मे बी वो भी हो सकता है. सो सेकेंड एबनॉर्मल सिम्टम्स इज द रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज. थर्ड, क्रॉनिक पेन इन द थ्रोट एंड फाउल स्मेलिंग इन द थ्रोट. माउथ ब्रीदिंग इज ऑल्सो एबनॉर्मल सिम्टम्स, बिकॉज नोज के अंदर जो साइनस सिस्टम होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है. सो उससे क्या जो डिस्चार्ज निकलता है वो नोज के पीछे के हिस्से में कंटिन्यू जाता रहता है, जिसको क्लियर करने के लिए अपने गले से हॉकिंग करना पड़ता है जस्ट लाइक. तो उससे क्या है, गले में और सूजन आ जाती है, और गले में क्या है कि उसके कारण क्या है, पेन होना एंड उसके टॉन्सिल के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन होने के कारण उसमें क्या है कि फाउल स्मेलिंग आना, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एबनॉर्मल सिम्टम्स. सो रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज, रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज, पेन इन थ्रोट एंड फाउल स्मेलिंग एंड माउथ ब्रीदिंग एंड अनदर, समटाइम्स यू फील हैवीनेस इन ईयर एंड डिक्रीज्ड इन हियरिंग फ्रॉम द ईयर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नोज प्रॉब्लम. जस्ट लाइक आपको बहुत बार जुकाम होती है, उसके कारण क्या है कि पेशेंट को क्या है कि ईयर के अंदर हैवीनेस फील होता है और डिक्रीज हियरिंग होता है. एंड समटाइम्स डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, कान से पानी आना एंड पस लाइक डिस्चार्ज आना एंड डिक्रीज हियरिंग, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द नोज. बिकॉज जो ह्यूमन ईयर, ईयर एंड द नोज दैट हैव ए कनेक्टिविटी. सो व्हेन वी ब्रीथ, सो कुछ अमाउंट एयर की थ्रू द यूस्टेकियन ट्यूब ईयर में जाती है, ईयर का वेंटिलेशन मेंटेन करती है. सो बहुत बार अगर नोज में कोई पैथोलॉजी होती है, सो उसके कारण वो जो ट्यूब का कम्युनिकेशन स्वेलिंग के कारण ब्लॉक होता है, और जो ईयर का ड्रम है, जो कान का पर्दा है, उसके पीछे फ्लूड एक्यूमुलेट होता है. सो उसके कारण हैवीनेस इन द ईयर, डिक्रीज इन द ईयर, और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सो जो ईयर ड्रम है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो रैप्चर होके और ईयर से फ्लूड का लीकेज होने लग जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होके एंड पस डिस्चार्ज भी आने लगता है. सो और अनदर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, लॉस ऑफ गुड और बैड स्मेल, जिसको एनोस्मिया कहते हैं. सो दीज ऑल आर सिम्टम्स. इफ यू सफरिंग फ्रॉम फॉलोइंग सिम्टम्स देन योर नोज इज नॉट नॉर्मल. Something happened with your nose is abnormal. So you consult with your nose specialist. Consult with your ENT specialist. Okay. Now, how you recognize? कैसे पता लगेगा? How we investigate कि nose में क्या problem है? So regarding that, there are some important investigations
जो नो सर्जन या ENT स्पेशलिस्ट के थ्रू किए जाते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है नेजल एंडोस्कोपी। सो बाय नेजल एंडोस्कोपी वी कैन विजुलाइज द इंटीरियर ऑफ द नोज ऑन द मोनिटर। अपन जो नोज की जो इंटीरियर के जो अंदर का है वो अपन मोनिटर पे देख के भी अपने को ये पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या कारण है, क्यों नोज में डिस्चार्ज आ रहा है, क्यों नोज के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है, क्यों नोज के अंदर जो है ये स्वेलिंग आ रखी है। सो नेजल एंडोस्कोपी की एक सुविधा होती है जिससे वी कैन रिकोगनाइज द इंटीरियर ऑफ द नोज प्रॉब्लम। एंड अनदर इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर द नोज इज द CT स्कैन ऑफ द PNS। सो CT स्कैन ऑफ PNS यानी पैरानेजल साइनसिस, बिकॉज ये जो नोज है वो जस्ट लाइक मधुमक्खी के छत्ते की जैसे अपनी जो चीक बोन है उसमें क्या खाली स्पेस होता है जिसको पैरानेजल साइनस बोलते हैं। सो जब अपन ब्रीथ करते हैं तो पूरी पूरी एयर क्या है साइनस में जाके वो फिल्टर होती है, मॉइस्चराइजर ह्यूमिडिफिकेशन होता है। सो ये नॉर्मल फंक्शन होता है साइनस का, साइनस सिस्टम का। सो नोज और साइनस सिस्टम मिलके ये सारा वर्क करते हैं, इसलिए जो पैरानेजल साइनस की और अंदर का जो स्केलेटल है नोज का उसकी उसकी जो है स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए उसमें पैरानेजल साइनसेज की CT स्कैन कराई जाती है जिसमें अपने को उसकी डिटेल जो 3D पैथोलॉजी है उसके बारे में पता लगता है कि साइनस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, नोज के बीच में जो बोन है जो नोज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो सेंटर में है कि नहीं है, या वो कहीं नोज को एयरवे को कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रही। सो ये नेजल एंडोस्कोपी एंड CT स्कैन PNS ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा अपने को नोज की जो है पैथोलॉजी है उसके बारे में पता लगाया जाता है। So now the function of the nose and the complaint of the nose and the investigation of the nose. Now the treatment of the problem. कैसे nose की जो problem है उसका treatment हो सकता है। So suppose जो nose की जो problem है वो diagnosis होने के बाद में दो तरीके से जो nose की जो problem है उसको अपन treat कर सकते हैं। First either surgical and either कंजर्वेटिव और थ्रू द मेडिसिन। सपोज नोज के अंदर आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और इट मे बी ड्यू टू DNS, DNS दैट इज ए कॉमन प्रॉब्लम। सो नोज के जो अंदर की बोन है जो डेविटेड है और वो अंदर के एयरवे को ब्लॉक कर रही है, सो एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, उसमें क्या है नोज के अंदर की जो बोन है अंदर की जो कार्टिलेज है उसको मिड लाइन के अंदर शिफ्ट सेट कर दिया जाता है जिससे क्या है दोनों तरफ का जो एयर वेव है वो वापस ओपन हो जाता है। सो दैट इज एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, उसमें कहीं बाहर से इंसिजन बाहर से कोई चीरा या कोई ऐसा नहीं होता, वो टोटली एंडोस्कोपिक अंदर से की जाती है। और सपोज करो नोज के अंदर कोई साइनस में मास है, साइनस की प्रॉब्लम जिसको लोग यूजुअली बोलते हैं, साइनस में पॉलिप्स हैं, सो उसके लिए एक दूसरी सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक FESS, फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। सो उसके माध्यम से जो ब्लॉकेज साइनस है वो CT स्कैन इमेज की सहायता से उसको देख के और एंडोस्कोप और उस सर्जरी के माध्यम से जो ब्लॉकेज साइनस है उसको वापस खोल दिया जाता है और जो साइनस का ओरिजिनल फंक्शन है वो वापस गेन हो जाता है। सो दैट इज द फेस साइनस सर्जरी। और सपोज करो पेशेंट हैव द प्रॉब्लम जिसमें उसको फंक्शनल प्रॉब्लम भी है और साथ में उसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है। पेशेंट कहता है सर मेरे को सांस भी नहीं आता बट मेरे नाक जो है वो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, यानी वो डेविटेड है, टेढ़ा है, या बैठा हुआ है, या मेरे नोज पे बम्प है, या मेरे नोज पे डिप्रेशन है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम साथ में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है, सो दैट कैन बी करेक्ट बाय द राइनोप्लास्टी सर्जरी, दैट कैन बी करेक्ट बाय द राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो उसमें क्या करते हैं, राइनोप्लास्टी सर्जरी इज ए टाइप ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी, उसमें नोज को रीशेप एंड द रीसाइज
यू कैन रीशेप एंड द रीसाइज द नोज अकॉर्डिंग टू योर फेशियल हारमोनी, अपना जो चेहरा है उसके हिसाब से नोज को रीशेप और रीसाइज किया जाता है। तो साथ में उसको रीशेप और रीसाइज करने के साथ में जो ब्लॉकेज वाला जो पार्ट है जो नोज को फंक्शनली ब्लॉक कर रहा है उसको पहले करेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों कॉस्मेटिक और द फंक्शनल दोनों को साइमल्टेनियस राइनोप्लास्टी के माध्यम से करेक्ट किया जाता है। और राइनोप्लास्टी में भी कहीं बाहर से नोज को काटना या चीरा नहीं होता, एक बहुत छोटा सा इंसिजन यहाँ पे होता है जिसके माध्यम से उसको पता लगाया जा ठीक किया जाता है। और इसके बाद में अगर पेशेंट को कॉमन एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसको क्या है कि एलर्जी का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहले सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के बाद में उसको एक मिनिमम ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वापस उसको रिकरेंट बार बार उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ में एक एलर्जी प्रोफाइल या करा के वी कैन सेग्रीगेट दैट थिंग्स कि कौन कौन सी चीज़ें जो इस पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही हैं उन चीज़ों को वो अवॉइड करे। और आजकल इम्यूनोथेरेपी की फैसिलिटी होती है, उसकी वैक्सीनेशन, जैसे बच्चे को पोलियो की दवा दी जाती है ऐसे उसको उसकी वैक्सीनेशन भी दी जाती है जिसके उस एलर्जन के लिए उसकी बॉडी में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो। एंड साथ में एसोसिएटेड पेशेंट शुड मेंटेन द नेजल हाइजीन, लाइक नोज में बार बार फिंगर नहीं देना, नोज को प्रॉपर ब्लोइंग करना, नोज के डोंट प्लक द हेयर्स, नोज के जो हेयर्स हैं उनको प्लक नहीं करना। सो एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जिससे नोज के अंदर जो मॉइस्चराइज रहे, खूब पानी पिए, एटलीस्ट 8-10 ग्लास एक दिन में पानी पिए, ठीक है ना। अवॉइड कॉफ़ी एंड अल्कोहल्स मोर एंड मोर, सो ये अवॉइड करना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट नेजल हाइजीन को मेंटेन के लिए। सो दोस्तों, नोज एक बॉडी का रिसेप्शन है, नोज एक बॉडी का गेट कीपर है, सो यू केयर योर नोज, सो नोज केयर फॉर यू। इसलिए यू ये जो नोज के बारे में डिटेल जानना आपका बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू वांट एनी मोर डिटेल अबाउट द नोज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय वेबसाइट jdshospital.com एंड www.nuxrhinoplasty.com एंड ऑन माय फेसबुक पेज। सो इफ यू नीड एनी मोर कॉन्टेक्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।